नमस्कार। क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर, शीर्षक अलंकार। अलंकार एक हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण शीर्षक है और ये 9th क्लास में ही नहीं और भी परीक्षाओं में आता है। जितने भी शीर्षक आपने पढ़े हैं उन शीर्षकों की अपेक्षा यह शीर्षक थोड़ा सा कठिन है, लेकिन उस कठिनता को हम सरलता से समझाएंगे आपको और सरल से कठिन जो सूत्र होता है उसको लेकर हम चलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं अलंकार शब्द जो है, सर्वप्रथम कोई भी हम टॉपिक पढ़ाते हैं तो उसमें यह प्रश्न होता है कि वो टॉपिक है क्या, क्या परिभाषा है उसकी, क्या अर्थ है। तो मैं बताना चाहूंगा आज जो हमारा अलंकार टॉपिक है, शीर्षक है मुख्य और पार्ट फर्स्ट है अलंकार का, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। सर्वप्रथम अलंकार शब्द के बारे में मैं आपको बताऊंगा, अलंकार है क्या। जब हम इसकी व्युत्पत्ति की तरफ जाते हैं तो इसमें दो शब्द हैं आपका, एक है अलम और दूसरा है इसमें का, इक्वल टू अलंकार। अर्थात अलंकार शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो दो शब्दों से हुई है, जिसमें पहला है अलम और दूसरा है का। इसमें जो अलम है, इस अलम का अर्थ होता है सुशोभित, शोभामान, और कार का अर्थ होता है करना। अलम का अर्थ होता है शोभा और कार का अर्थ होता है करना। अर्थात संपूर्ण अलंकार शब्द का अर्थ हुआ शोभा करना या किसी चीज को सुशोभित करना या अलंकृत करना। जो शब्द कापी की शोभा बढ़ाने वाले होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। जिस प्रकार अगर हम लौकिक उदाहरण के माध्यम से लें, जिस प्रकार एक नारी की शोभा उसके कटक कुंडलादि, गले का हार, पैर की आपके घुंघरू, माथे की बिंदी, आंखों का काजल, जिस प्रकार एक नारी की शोभा बढ़ाते हैं उसी प्रकार जो हमारा काव्य शास्त्र है उसकी जो शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उन्हें हम अलंकार कहते हैं। अर्थात कोई भी वस्तु होती है उसकी शोभा बढ़ाने वाले हर जगह तत्व होते हैं। घर पर भी यदि फंक्शन चल रहा है तो उसकी शोभा बढ़ाने वाले भी तत्व होते हैं। आपने देखा होगा जो फंक्शन होते हैं, 15 अगस्त का फंक्शन होता है, 26 जनवरी का फंक्शन होता है, बहुत सारे हमारे देश में फंक्शन होते हैं, त्योहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों में जो दिवस होते हैं उन दिवसों में जो सजावट होती है उस दिन की सजावट जितने तत्वों से की जाती है, उसमें तरह तरह के आपके चांदनी वगैरह लगाए जाते हैं, कुर्सियों की सजावट की जाती है, मेज लगाई जाती है, तरह तरह के फूल लगाए जाते हैं, वे सभी तत्व जिस प्रकार लौकिक संसार में त्योहारों की शोभा को बढ़ाते हैं, और एक उदाहरण मैंने नारी का दिया था आपको, नारी की शोभा बढ़ाने वाले जो कटक कुंडलादि, जो आपके गले का हार, कानों का कुंडल, नाक की नथुड़ी जिस प्रकार शोभा बढ़ाते हैं, उसी प्रकार काव्य शास्त्र, हमारा जो काव्य शास्त्र है हिंदी और संस्कृत का, काव्य के अंतर्गत आपका अलंकार है, तो जो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व होते हैं उनको अलंकार कहते हैं। अब हम अलंकारों की बात करते हैं। अब जो काव्य की शोभा बढ़ती है वो एक तो शब्द से बढ़ती है और एक अर्थ से बढ़ती है।
क्योंकि काव्य के अंतर्गत शब्द भी होते हैं और उन शब्दों का अर्थ भी होता है, क्योंकि शब्द होंगे और उनका कोई ना कोई उनमें अर्थ भी छुपा होगा। इस आधार पर हमने अलंकार के दो भेद कर दिए, जिसमें पहला हुआ एक शब्दालंकार और दूसरा हुआ आपका अर्थालंकार। ये हमने अलंकार के दो भेद कर दिए, दो प्रकार कर दिए, जिसमें पहला है आपका शब्दालंकार और दूसरा है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार कैसे कहते हैं यह हमारा प्रश्न होता है, और अर्थालंकार किसे कहते हैं। शब्दालंकार की जब परिभाषा हम देखते हैं तो जैसा कि मैंने एक बार बताया था, शब्द में ही हर शब्द का अर्थ छुपा रहता है। यदि आप ध्यान पूर्वक देखें तो यहां शब्दालंकार, शब्द प्लस अलंकार इक्वल टू शब्दालंकार, जहां जिस काव्य में शब्दों से चमत्कार होता है, जहां शब्दों का चमत्कार होता है, शब्दों के अंतर्गत वर्ण भी आ जाते हैं, जहां वर्णों का चमत्कार होता है, जहां शब्दों का चमत्कार होता है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और जहां अर्थ का चमत्कार होता है, अर्थ का अर्थ उद्दीप्त तो होता है, जहां अर्थों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। और जहां शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। दोनों का अर्थ समझ में आ गया। शब्दालंकार, शब्द से जहां खूबसूरत बनता है काव्य, शब्द के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसे शब्दालंकार कहते हैं। और अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाई जाती है, उसे हम अर्थालंकार कहते हैं। शब्दालंकार की बात करें, सर्वप्रथम अलंकार रूपी पिता के दो पुत्र हुए, पहले पुत्र का नाम था शब्दालंकार और दूसरे पुत्र का नाम अर्थालंकार। अब शब्दालंकार की भी चार तीन संतान हुई, जिन संतानों का नाम है अनुप्रास, यमक और शेष। तीन शब्दालंकार रूपी पिता के तीन बेटे और हुए। सर्वप्रथम इनका इनके शब्दालंकार के पिताजी अलंकार, अलंकार के बेटे का नाम शब्दालंकार, शब्दालंकार के तीन बेटे हुए, जिसमें पहले बेटे का नाम अनुप्रास है, दूसरे बेटे का नाम यमक है, तीसरे का नाम श्लेष। अब मैं आपको एक एक अलंकार को अच्छे से पढ़ाऊंगा, विद उदाहरण के साथ में, विद परिभाषा के साथ में। अनुप्रास, आप अर्थ ले सकते हैं कि अनु माने बार बार, प्रास माने वर्णों का बार बार आना ही। अर्थात काव्य के अंतर्गत जब एक वर्ण बार बार आए, जब काव्य के अंतर्गत किसी भी ऐसे उदाहरण, काव्य के उदाहरण के अंतर्गत किसी भी वाक्य के अंतर्गत जहां वर्ण का चमत्कार हो, अर्थात एक वर्ण, और वर्ण मैंने क्या बताया, क वर्ण, च वर्ण, च वर्ण, त वर्ण, ख वर्ण आदि, ये वर्ण जब एक से अधिक बार आए, वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। वहां कौन सा अलंकार होता है आपका, अनुप्रास अलंकार होता है। कहां अनुप्रास अलंकार होता है, जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो। कोई भी एक वर्ण हो सकता है व्यंजन वर्णमाला का, लेकिन इसमें अक्सर जो कठोर वर्ण है, जो आपका जैसे ट है, ठ है, जो अड़ा है, जो कठोर वर्ण है, उनकी आवृत्ति इसमें नहीं होगी अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत। अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत तो उन्हीं वर्णों की आवृत्ति होगी जो मृदु वर्ण है। मृदु वर्ण इट मींस कहेंगे म, स, आपका क, च आदि वर्णों की आवृत्ति जब एक से अधिक बार, तीन बार हो, चार बार हो सकता है, पांच बार हो, वाक्य के अंतर्गत, उदाहरण के अंतर्गत एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं, अनुप्रास अलंकार कहते हैं, जिसमें एक वर्ण की आवृत्ति बार बार आए किसी भी उदाहरण के अंतर्गत। अब हम उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। इसमें एक उदाहरण दिया मैंने, जैसे
चारों चंद की चंचल किरणें और खेल रही हैं जल थल में। चारों ये फेमस प्रसिद्ध उदाहरण है आपका, चारों चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में। तो यहां चवण है वो आपका कई बार आया है, देखिए नंबर एक च, चारु में च, चंद में च, चंचल में च। तो इस प्रकार यहां चवण की आवृत्ति बार बार होने से यहां आपका अनुप्रास अलंकार है, अर्थात चवण की आवृत्ति बार, चवण की आवृत्ति बार बार होने के नाते चवण की आवृत्ति। चार चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, अर्थात इस उदाहरण में आपका चवर्ण की आवृत्ति बार बार आने के नाते इस उदाहरण में आपका अनुप्रास अलंकार है। सेकंड उदाहरण, कालिंदी कूल कदंब की डारण। इस उदाहरण में कवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इस कारण से यहां आपका कौन सा अलंकार हुआ, यहां आपका अनुप्रास अलंकार हुआ। देखिए कालिंदी में का, कूल में का, और कदंब में का, और की का भी अपना का, इस प्रकार यहां का वर्ण की आवृत्ति चार बार हुई है, इस कारण से यहां भी आपका अनुप्रास अलंकार का वर्ण की आवृत्ति। नेक्स्ट उदाहरण, रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीता, अर्थात रघुपति, रघुपति में देखिए एक रा, राघव में फिर से रा, राजा में फिर से रा, और राम में फिर से रा, और लास्ट में आपका फिर से, अर्थात किसी भी वर्ण की एक से अधिक बार, दो तीन चार पांच छह सात अधिक से अधिक हो सकती है, कम से कम तीन। तो कहने का तात्पर्य जहां एक वर्ण की कोई भी वर्ण, वर्ण एक मीन्स व्यंजन वर्ण, क से लेके क्षेत्र ज्ञान तक जो आपके वर्ण हैं उनमें से जो मृदु वर्ण है और मृदु अक्षर जो मैं बता रहा हूं, च है, क है, और आपका म है, र है, वगैरह वगैरह जो कर्कश वर्ण है, जो जैसे आपका ठ एक कर्कश वर्ण है, इसकी आवृत्ति बहुत कम बार होगी और ये वर्ण भी अधिक नहीं आएगा। तो इस कारण से यहां रघुपति राघव राजा राम और पतित पावन सीताराम, यहां र वर्ण की आवृत्ति बार बार होने से यहां भी आपका अनुप्रास है। नेक्स्ट, मैया मैं नहीं माखन खायो। इस उदाहरण में भी आपका म वर्ण, देखिए एक वर्ण है और वह भी म वर्ण की आवृत्ति आपका तीन बार भी है, देखिए आप स्वयं देख सकते हैं, मैया में म, मैं म, और माखन में म, इस कारण से यहां भी आपका कौन सा अलंकार हो जाता है, आपका अनुप्रास अलंकार, और किस कारण से म की आवृत्ति बार बार होती है। मुदित, नेक्स्ट उदाहरण, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, अर्थात इस उदाहरण में भी आपका म की आवृत्ति बार बार हो रही है, मुदित में म, महीपत में म, और मंदिर में म। तो और नेक्स्ट जो वाक्य है
नेक्स्ट जो पद है उसमें स वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। देखिए स, सचिन में भी स और सुमंत में भी स। इस कारण से इस संपूर्ण उदाहरण में म और स की आवृत्ति बार बार होने के नाते यहां भी आपका अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, आपकी समझ में अच्छे से आई गया होगा। अनुप्रास अलंकार का अर्थ होता है कि जहां एक वर्ण की आवृत्ति बार बार हो, एक कोई भी व्यंजन वर्ण बार बार आए, वहां आपका अनुप्रास अलंकार होता है। और मैंने क्रमशः आपको उदाहरणों के माध्यम से भी बता दिया, जैसे चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं चंचल में, अर्थात चारु, यहां चारु में च, चंद में च, चंचल में च। तो इस कारण से इस उदाहरण में च की आवृत्ति बार बार होने के नाते अनुप्रास अलंकार है। कालिंदी कूल कदंब की डारण, इस उदाहरण में क वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के नाते इस उदाहरण में भी अनुप्रास अलंकार है। रघुपति राघव राजा राम, इस उदाहरण में पतित पावन सीताराम, इस उदाहरण में आपका काव्य के उदाहरण में र वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इस कारण से भी यहां भी आपका अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है मैया मैं नहीं माखन खायो, इस उदाहरण में भी आपका मां की आवृत्ति बार बार होने के नाते आपका यहां भी आपका कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए, अर्थात इस उदाहरण में पहले वाक्य में मां की आवृत्ति बार बार हो रही है और दूसरे जो सेकंड पद है उसमें सवर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, इस कारण से यहां भी आपका अनुप्रास अलंकार है। तो आई होप, मुझे विश्वास है आप अनुप्रास अलंकार को अच्छे से समझ गए होंगे कि अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं, अर्थात किसी भी वर्ण की, किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति। व्यंजन वर्ण आप पढ़ते आए हैं, कॉन्सोनेंट्स आपके 11 वॉवल्स होते हैं, स्वर होते हैं 11, उसके अलावा आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, उनमें से किसी भी कर्कश वर्ण को छोड़कर, कर्कश इट मींस ठ, ड, ढ, कुछ ऐसे वर्ण है उनको छोड़कर अन्य वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार आए, या संक्षिप्त रूप में आप कह सकते हैं कि जिस काव्य में या जिस उदाहरण में किसी भी व्यंजन वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार हो या बार बार हो, उसे हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। आई होप, मुझे विश्वास है, उम्मीद है आप इसको समझ गए होंगे। थैंक यू, आज की क्लास में इतना ही। सेकंड पार्ट में यमक अलंकार क्या होता है, श्लेष अलंकार क्या होता है, इन दोनों के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको आप रिवाइज करें और अपनी पुस्तिका पर उल्लेखित करें आप इसको, और परीक्षाओं के लिए इसको तैयारी करें। जय हिंद, वंदे मातरम।